हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। देखिए, आज की तारीख है 4 नवंबर 2017 और देख लेते हैं कि आज का करंट अफेयर्स क्या है, यानी कि आज के अखबारों, रेडियो समाचारों, बीबीसी न्यूज़ और अन्य पत्रिकाओं में वो कौन सी खबरें हैं जो कि करंट अफेयर्स हैं और आगामी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बिंदु साबित हो सकते हैं। ठीक है, तो पहली न्यूज़ को देखते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2 नवंबर 2017 को नई दिल्ली में 21वें विश्व मानसिक स्वास्थ्य सम्मेलन का उद्घाटन किया है। यह सम्मेलन केयरिंग फाउंडेशन व अन्य संगठनों के सहयोग से वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ द्वारा आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए, इस अवसर पर अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि भारत में पहली बार विश्व मानसिक स्वास्थ्य सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, यानी कि ये जो सम्मेलन हो रहा है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य सम्मेलन, ये 21वां सम्मेलन है और भारत में इसका पहली बार ये सम्मेलन हो रहा है। ठीक है, अब देखिए, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वे 2016 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का 14% मानसिक स्वास्थ्य की समस्या से पीड़ित है, यानी कि भारत की जितनी जनसंख्या है उसका 14% मानसिक स्वास्थ्य की समस्या से ग्रस्त है। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ और देख लीजिए कि ये जो वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ यानी कि WFMH ये जो संस्था है, ये इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए, ये एक अंतर्राष्ट्रीय NGO है जो कि इसमें जितने वॉलेंटियर्स होते हैं वो लोग काम करते हैं, और इसकी स्थापना जो है वो हुई थी 1948 में। ये वही समय था जब UN यानी कि यूनाइटेड नेशंस और WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी। ये जानकारी का स्रोत जो है विकिपीडिया है। ठीक है, अब आते हैं हम अगले बिंदु पर। देखिए, भारतीय सेना और कजाकिस्तान के बीच, देखिए कजाकिस्तान कहाँ पड़ता है पहले तो इसको जान लेना जरूरी है ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए। देखिए, ये रहा आपका भारत का मैप। देखिए, आपका भारत यहाँ पे है, ठीक है, और ये आपका चाइना हो गया, और चाइना के ऊपर ये रसिया है यानी कि USSR, और ये वाला जो हिस्सा है ये होता है कजाकिस्तान। थोड़ा सा मैप देखने से क्या होता है ना, क्लियरिटी बनी रहती है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग न्यूज़ पे। भारतीय सेना और कजाकिस्तान के बीच 2 नवंबर 2017 से हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश का एक स्थान है बाकलो में, 14 दिन के संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास प्रबल दोस्तक 2017, इसको याद रखिएगा, अभ्यास का नाम कई बार पूछा जा सकता है, प्रबल दोस्तक 2017 का शुभारंभ किया गया है। इस संयुक्त अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के सैन्य संबंधों को बढ़ाने के अलावा दोनों सेनाओं की आंतरिक क्षमता को मजबूत बनाना है। साथ ही प्रशिक्षण दल में भारतीय सेना की 11वीं गोरखा राइफल्स का सशस्त्र दस्ता और कजाकिस्तान सेना का भी समान दस्ता शामिल है, यानी कि इसमें जो गोरखा राइफल्स का एक दस्ता शामिल है और कजाकिस्तान का समान दस्ता, ये वहाँ का एक सेना का एक दस्ता है, वो शामिल किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं अगला न्यूज, और ये आप दोबारा से देख लीजिए, ये भारत हो गया और ये कजाकिस्तान हो गया, ये पूरी दुनिया का मैप है, और कजाकिस्तान जो होता है वो एशिया में आता है, ठीक है, यूरोप में नहीं आता है। थोड़ा सा मैप देखने से क्लियरिटी बनी रहती है, इसलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये खबर इंपॉर्टेंट है, 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है, तो आपका जवाब होगा कृष्णा सोबती को मिला है। ठीक है, थोड़ा सा कृष्णा सोबती के बारे में जान लेते हैं और इस पुरस्कार के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, भारत विभाजन से लेकर स्त्री पुरुष संबंधों, भारतीय समाज में आते बदलाव और मानवीय मूल्यों के पतन जैसे विषयों को बेबाकी से कहानियों में उतारने वाली प्रसिद्ध लेखक कृष्णा सोबती को इस साल के यानी कि 2017 के ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया है। 1966 में प्रकाशित मित्रो मरजानी संभवतः उनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है। तो सबसे प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है, मित्रो मरजानी, जिसके जरिए उन्होंने स्त्रियों की दैहिक आज़ादी के सवाल को मुखरता से उठाया था। इसके अलावा डार से बिछड़ी, दिलो दानिस, ए लड़की और समय सरगम जैसे उपन्यासों से उन्होंने हिंदी कथा साहित्य को समृद्ध किया है। ठीक है, देखिए, ज्ञानपीठ के निदेशक कौन है, अगर ये सवाल आता है तो आपका जवाब होना चाहिए, ज्ञानपीठ के निदेशक हैं निदेशक लीलाधर मंडलोई। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा, लीलाधर मंडलोई जो है ये ज्ञानपीठ के जो है निदेशक हैं। ने शुक्रवार को बताया कि प्रोफेसर नामवर सिंह की अध्यक्षता में हुई प्रवर परिषद की बैठक में 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार कृष्णा सोबती को देने का निर्णय लिया गया है। ये कौन सा पुरस्कार है, ये 53वां है, याद रखिएगा कि 53वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो दिया जा रहा है कृष्णा सोबती को। पुरस्कार में उनको 11 लाख रुपये,
प्रशस्ति पत्र और वाग देवी यानी कि सरस्वती की कांस्य प्रतिमा प्रदान की जाएगी। 18 फरवरी 1924 को गुजरात में जन्मी सोबती साहसी लेखन के लिए जानी जाती हैं। मतलब उनका जन्म कब हुआ था, वर्तमान पाकिस्तान में हुआ था, लेकिन ये हिस्सा तक गुजरात में आता था। जन्म हुआ था 18 फरवरी 1924 को। इस समय उनकी उम्र लगभग 92-93 साल है। ठीक है, आइए थोड़ा सा हम देख लेते हैं इनको। देखिए ये हैं आपकी कृष्णा सोबती, इनको थोड़ा सा देख लेना उचित रहता है। ठीक है, इनको इस साल का जो है पुरस्कार दिया गया है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब आते हैं अगले समाचार पे। देखिए क्या है ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये जान लेना जरूरी होता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास की ओर से साहित्य के लिए दिया जाने वाला देश का सबसे बड़ा पुरस्कार यानी कि सर्वोच्च पुरस्कार है। जैसे वीरता का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा होता है, परमवीर चक्र, वैसे ही ये जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। और नागरिक सम्मान के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार जो दिया जाता है उसका क्या नाम है, जी हाँ, भारत रत्न। आप बताइए मुझे कमेंट में कि अब तक कितने लोगों को भारत रत्न दिया जा चुका है, और भारत में पहला वो मतलब पहले व्यक्ति कौन थे जिनको भारत रत्न दिया गया था, कमेंट में बताइएगा। थोड़ा सा गूगलिंग करते रहेंगे तो आपका थोड़ा स्ट्रांग होता रहेगा जी के, और जो चीज़ आप खोज के जो है मतलब पढ़ते हैं ना वो आपके दिमाग में लंबे समय तक बनी रहती है। और आपको पता ही है कि आजकल जो जीके और जीएस का जो पोर्शन होता है सभी एग्जाम में वो कितना टफ होता जा रहा है, तो थोड़ा सा आप लोग खोजते रहेंगे तो ठीक रहेगा। ठीक है, देश का कोई भी नागरिक जो आठवीं अनुसूची में बताई गई 22 भाषाओं में से किसी भाषा में लिखता हो साहित्य, वो इस पुरस्कार के योग्य है। पुरस्कार में 11 लाख रुपये की धनराशि, वाग देवी की प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र जो है दिया जाता है। अब हम आते हैं अगले न्यूज पे। रिजर्व बैंक ने कहा है कि जिन कंपनियों ने 5 करोड़ या उससे अधिक का कर्ज लिया है उन्हें बैंकों से अनिवार्य रूप से 20 अंकों का वैध इकाई पहचान कोड LEI जिसे कहा जाएगा उसे लेना होगा। इसके लिए रिजर्व बैंक ने समय सीमा 31 मार्च 2018 तय कर दी है। इस पहल का जो मकसद है वो है जोखिम प्रबंधन में सुधार लाना। LEI के क्रियान्वयन के लिए समय सीमा के बारे में बताते हुए RBI ने कहा कि जिन कंपनियों ने 1,000 करोड़ या इससे अधिक कर्ज लिया है उन्हें 31 मार्च तक विशिष्ट कोड लेना होगा। ठीक है, ये खबर भी इम्पॉर्टेंट है, आगे देखते हैं। देखिए फोर्स एक पत्रिका है, उसने जो है जारी कर दी है सूची विश्व के सबसे प्रभावशाली महिलाओं की। उसमें जो है भारत, उसकी जो सूची जारी की गई उसमें भारत की 5 भारतीय महिलाओं ने भी अपनी जगह बनाई है। पूरी न्यूज़ देखते हैं। इस सूची में जर्मनी की एंजेला मर्केल जो है वो पहले स्थान पे हैं। ये जर्मनी की एंजेला मर्केल, तो सवाल अगर पूछा जाता है कि फोर्स की सूची 2017 में पहले स्थान पर कौन है, तो जर्मनी की एंजेला मर्केल है। इस सूची में चंदा कोचर 32वें, SCL कारपोरेशन की मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रोशनी नादर मल्होत्रा को 57th पोजिशन, और बायोकान की संस्थापक किरण मजूमदार को 71th यानी कि 71वें स्थान मिला है। सूची में हिंदुस्तान टाइम्स मीडिया की लिमिटेड की चेयरपर्सन जो है शोभना भरतिया, इनको 92वां स्थान मिला है, और आपकी चहेती अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा को 97वां स्थान इसमें प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब देखिए जो कुछ भी है भारत की जो महिलाएं हैं वो बहुत ही अच्छा कर रही हैं, मतलब एक तरह से उनकी तारीफ करनी चाहिए। सूची में जो अन्य भारतीय मूल की महिलाएं हैं यानी कि वो भारत में नहीं रहती हैं लेकिन भारतीय मूल की हैं, उनमें पेप्सिको की इंदिरा नूई हैं जिनका स्थान है 11वां, और भारतीय अमेरिकी हैं मतलब भारतीय मूल की हैं वो अमेरिका में रहती हैं, निक्की हैली वो हैं 53वें स्थान पर। देखिए मर्केल के बारे में जान लीजिए, मर्केल लगातार 7वीं बार इस सूची में है और पहले स्थान पर वो विराजमान है। 7 बार से वो लगातार पहले स्थान पर है, कुल मिलाकर 12 बार वह इस सूची में पहले स्थान पर रही हैं। ठीक है, मर्केल के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं टेरिजा, वो दूसरे स्थान पर हैं, और टेरिजा के बाद बिल मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की सह चेयरमैन मेलिंडा गेट्स तीसरे स्थान पर हैं। मेलिंडा और उनके पति बिल ने अभी तक $40 अरब का अनुदान दिया है और दोनों दुनिया के 100 देशों के संगठनों को मदद उपलब्ध करा रहे हैं। फेसबुक के मुख्य परिचालन अधिकारी यानी कि CEO सरलिन सैंडबर्ग ये 4थे स्थान पर हैं, और GM है सी मैरी 12 ये 5वें स्थान पर हैं। ठीक है, जो ये GM है, GM एक कंपनी है उसकी CEO है मैरी 12, वो 5वें स्थान पर हैं।
ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स एक्चुअली में अगर आप लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं जो मेरे नए व्यूवर हैं, तो मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे ये बल मिलता है कि मैं आपके लिए और अधिक मेहनत करके और अच्छे वीडियोज़ ला सकूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब। देखिए अगली जो न्यूज़ है वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 नवंबर 2017 को नई दिल्ली में विज्ञान भवन है उसमें विश्व खाद्य भारत समारोह, जिसको शॉर्ट फॉर्म कहा जाएगा WFI 2017 का उद्घाटन किया है। WFI सर्वाधिक अपेक्षित अंतर्राष्ट्रीय मेगा खाद्य समारोह है, ठीक है। देखिए WFI भारत 3 से 5 नवंबर 2017 के दौरान नई दिल्ली में खाद्य क्षेत्र की बड़ी कंपनियों के वैश्विक निवेशकों और उद्योगपतियों के अब तक के सबसे बड़े समागम का स्वागत करेगा। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल के नेतृत्व में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा आयोजित, कौन आयोजित कर रहा है इसको, इसका मंत्रालय है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, इसका जो है प्रायोजक है, द्वारा आयोजित विश्व खाद्य समारोह का उद्देश्य क्या है, खाद्य अर्थव्यवस्था को रूपांतरित करना और वैश्विक खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए भारत को एक पसंदीदा निवेश गंतव्य तथा सोर्सिंग हब के रूप में स्थापित करने के द्वारा किसानों की आय के जो दोगुनी करने का टारगेट रखा गया था उसको प्राप्त करने का लक्ष्य इसमें रखा गया है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखते हैं अगले न्यूज को। देखिए ये अगला न्यूज है, किस कंपनी ने, कौन सी कंपनी है, पावर ग्रिड। पावर ग्रिड ने 31 अक्टूबर 2017 को ले और खलतीसी में 220/66 kV GIS उप स्टेशन के साथ 220 kV SCL स्टेंग यानी कि श्रीनगर लेह पारेषण लाइन के 220 kV SC लेह खलतीसी लाइन खंड के कार्य को सफलतापूर्वक कर लिया है। भारत में पहली बार 11,500 फीट की ऊंचाई पर 220 kV वोल्टेज स्तर के उप स्टेशन का निर्माण किया गया है। जम्मू और कश्मीर में लेह लद्दाख क्षेत्र को ग्रिड से जोड़ने वाली भारत सरकार की यह प्रतिष्ठित परियोजना है। सामरिक रूप से महत्वपूर्ण इस परियोजना की आधारशिला 12 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री के द्वारा रखी गई थी, ठीक है। श्रीनगर लेह पारेषण प्रणाली के कार्यान्वयन को पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसको पावर ग्रिड को सौंपा गया है। तो अगर सवाल आता है कि किस कंपनी ने जम्मू कश्मीर में लेह लद्दाख क्षेत्र को ग्रिड से जोड़ने वाली सरकार की प्रतिष्ठित परियोजना पूरी की, तो आपका जवाब होगा पावर ग्रिड, ठीक है। अब देखते हैं आगे। देखिए ये समाचार जो है ये महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा इस पर ध्यान में रखिएगा और मैं इसको थोड़ा डिटेल में स्टडी करूंगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 2 नवंबर 2017 को एक राजपत्र अधिसूचना जारी की है जिसके अनुसार 1 दिसंबर 2017 के बाद बेचे जाने वाले सभी फोर व्हीलर्स यानी चार पहिया जो वाहन होंगे उन पे वाहन के जो विनिर्माता होंगे या तो उनकी ओर से या उसके अधिकृत डीलर जैसा भी मामला हो द्वारा फास्ट टैग फिट किया जाएगा। क्या फिट किया जाएगा, फास्ट टैग। देखिए ये फास्ट टैग के बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। देखिए फास्ट टैग क्या होगा, बिना विंड स्क्रीन के ड्राइव अवे चेचिस ग्रुप में बेचे जाने वाले वाहनों के मामले में फास्ट टैग वाहन मालिक द्वारा इसके पंजीकरण कराए जाने से पूर्व फिट किए जाएंगे। इस बारे में केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 से संबंधित खंड में आवश्यक संशोधन भी कर दिया गया है। अब थोड़ा सा देख लीजिए फास्ट टैग होता क्या है, ठीक है। देखिए फास्ट टैग ये है, फास्ट टैग एक रिचार्जेबल कार्ड है जिसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यानी कि RFID तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा जिसको RFID भी कहा जाता है। कार की विंड स्क्रीन, ये जो विंड स्क्रीन आप देख रहे हैं यहाँ पर लगने वाले इस कार्ड का इस्तेमाल टोल टैक्स को भरने में होगा। वाहन के मालिक को यह फास्टैग प्रीपेड अकाउंट लिंक करना होगा यानी कि जैसे ही आप जो टोल नाके से गुजरेंगे आपका ये जो फास्टैग कार्ड होगा ये एक्टिव हो जाएगा और ऊपर जो सेंसर लगा होगा वो उसको रीड करके आपके अकाउंट से ऑटो डेबिट कर लेगा यानी कि टोल पर अब आपको ज़्यादा रुकना नहीं होगा और पेमेंट ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। तो ये फास्टैग है। अब अगला न्यूज़ देखते हैं। देखिए इस बार जो है एक कॉलिंस डिक्शनरी है उसने इस साल वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है एक शब्द को जो कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा चुनाव के दौरान ज़्यादातर बोला गया और वो शब्द है फेक न्यूज़। तो फेक न्यूज़ इस साल का वर्ड ऑफ द ईयर हो गया है जिसे कॉलिंस डिक्शनरी ने शामिल किया है। अब अगली न्यूज़ देखते हैं। देखिए हरियाणा सरकार ने लॉजिस्टिक पार्क बनाने के लिए 20,000 करोड़ रुपए से अधिक का समझौता किया है। यह समझौता वर्विंड कंपनी के साथ
किया गया है। पूरी खबर देखते हैं। देखिए, हरियाणा सरकार ने लॉजिस्टिक पार्क बनाने के लिए 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का समझौता किया है, जिसमें 6 लाख से अधिक रोजगार के मौके बनने की संभावना है। यह समझौता मुंबई में CII इन्वेस्ट नॉर्थ 2017 में किए गए हैं। यह समझौता वर्विंड कंपनी के साथ किया गया है और यह 20,000 करोड़ की परियोजना का निवेश हरियाणा में होगा। इस परियोजना के तहत गुरुग्राम यानी गुड़गांव के करीब 600 एकड़ क्षेत्र में लॉजिस्टिक व ट्रेंडिंग हब बनेगा और परियोजना से लगभग 6 लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए आज का जो करंट अफेयर्स था वो हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आता तो डिसलाइक कीजिए। अगर डिसलाइक कर रहे हैं तो कारण भी बता दीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप इसको सब्सक्राइब करते हैं और शेयर कर देते हैं तो ये आपका मुझ पर एहसान होगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियोज़ में। तब तक लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।